Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बनाने लगे हैं रशियन सैलड. उसके लिए आपको चाहिए एक कप क्रीम. मैं मायनीज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती. अगर आप इसको एक थिक लुक देना चाहते हैं तो आप मायनीज के अमाउंट को डबल कर देंगे. मैं 1/4 कप मायनीज यूज़ कर रही हूँ. साथ उसमें जाएगा 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon ब्लैक पेपर और 1 tablespoon भरा हुआ शुगर. ये जो वाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये पाइन एप्पल के टिन के अंदर जो वाटर होता है, मैं पाइन एप्पल का वो वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ. 2-3 tablespoon आप ये ऐड कर लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें. अच्छा गाइस, चीनी मैंने बहुत थोड़ी सी इसमें डाली है जिसकी वजह से बहुत माइनर सा मीठा था. अगर आप चाहें तो चीनी के अमाउंट को डबल कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से आपको ठीक लगे. सो, इसमें सबसे पहले आपने डालनी है 1 cup मैक्रोनीज उबली हुई. साथ इसमें जाएगी 1/2 बंद गोभी मैंने डाली है छोटे साइज़ की, और क्यूब्स के फॉर्म में मैंने इसको काट लिया है. बहुत ज़्यादा बंद गोभी आपने नहीं डालनी, उससे टेस्ट ख़राब होता है. साथ पाइन एप्पल्स आपने लेनी है, बहुत बड़े साइज़ के नहीं, छोटे छोटे आप क्यूब्स काट लें. और 1/2 tin मैंने इसमें पाइन एप्पल्स का डाला है. साथ 1 गाजर को मैंने बहुत छोटे छोटे क्यूट से क्यूब्स में काट लिया. आप इसको जैसे मर्जी काटें, इस शेप में अच्छे लग रहे थे. आलू जो मैंने बॉयल किए हैं उसमें मैंने हल्का सा कलर डाल लिया और स्क्वायर से ही क्यूब्स में काट के इनको भी डाल रही हूँ. क्यूकम्बर मैंने 1 लिया और उसको बारीक बारीक काट लिया मैंने. साथ इसमें मैंने थोड़े से 1/2 cup मटर बॉईल करके डाले हैं और 1 बड़े साइज़ का सेब क्यूब्स में काट के डाल दिया. सो गाइस, इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है और फिर एटलीस्ट 2 hours के लिए इसको फ्रिज में रखें. जितना ये ठंडा हुआ होगा उतना ही ये टेस्टी लगेगा. आपका रशियन सैलड बिल्कुल रेडी है. इसको ठंडा सा सर्व करें. आई होप कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो गिव माई वीडियो थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब. बाय बाय.